लेग पेन हो रहा है, इतना नाक बह रहे, मैं कैसे राइड करूँगी, क्या करूँगी पता नहीं, पर हाँ कंप्लीट करके जाऊँगी। ऐसा नहीं कि नहीं करके छोड़ दूँगी, मैं ऐसे ही घर जाऊँगी, नहीं, आप लोगों के लिए वीडियो कंप्लीट करके फिर जाएंगे। अभी निकलते हैं बेतला फॉरेस्ट गेस्ट हाउस से, इसका नाम है होटल आराध्य, और इधर से निकलने के बाद हम लोग सीधा जाएंगे नेताघाट, और उधर का थोड़ा थोड़ा प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे। आज एनर्जी थोड़ा कम है मुझे पता है, पर कुछ नहीं कर सकते, सच में एनर्जी थोड़ा कम है। अभी टाइम हो रहा है 7:43, आज का राइड शुरू करते हैं। आज का डेट है 20th of October 2021। सुबह सुबह गाड़ी का चेन लूप किया, चेन क्लीन किया, इतना बड़ा होल इस रास्ते पे, यहाँ से हम लोगों को लेफ्ट जाना है। हाँ, तो इधर से 24 किलोमीटर और जाना है। इधर से किया, पिछले दिन हम लोग जब सिलेक्ट किया था तब बाइक सिलेक्ट किया, तो बाइक के लिए बहुत भुगतना पड़ा, बाइक रास्ता और है और कार के रास्ता और है, तो आज हम लोग पहले से ही कार सिलेक्ट करके जा रही है। रास्ता जैसा भी हो, नेचर का ब्यूटी एकदम फुल ऑन है। Being vlogger is not easy. इधर से उधर एक बार बाइक लेके आ रहे, एक बार दौड़ के जा रहे, ये सब कर रहे थे। अभी नहीं लग रहा है कि मेरा तबीयत बिगड़ गया है, अभी लग रहा है मैं फिट हूँ। Vlogger to vlogger conversation on camera. एक्चुअली इसी में एनर्जी मिलता है। मैं थोड़ी देर पहले बहुत दुखी हो गई थी, अरे हाथ नहीं चल रहा है, पैर नहीं चल रहा है, ऊपर से जुकाम हो गया है, खांसी भी हो रहा है, तो बहुत थक चुकी थी कि यार कैसे राइड करेंगे, पर मुझे इतना पता था कि मैं जब राइड करूँगी तब एकदम फिट हो जाऊँगी। आहा, थोड़ा देखिए, उफ, यहाँ से राइट टर्न लेना पड़ेगा, इधर थोड़ा सा भी नेटवर्क नहीं है, तो इधर साइन बोर्ड नहीं मिलता तो नहीं जा पाते। इस रास्ते से 11 किलोमीटर ऐसे ही जाना है, अभी तक 1 hour 10 minutes जाना पड़ेगा। थोड़ा धीरे चला रही हूँ क्योंकि इधर रोड बहुत ही गंदा है। लोग दिख रहे हैं, एक छोटा सा ब्रिज गया है, ब्रिज के पार थोड़ा सीढ़ी चढ़ा है, फिर उधर से एक ब्रिज गया है उस तरफ, उस तरफ से उस तरफ पानी गिर रहा है। हम लोगों को लगता है हम लोग अभी थोड़ा देर पहले जो रिवर क्रॉस करके आए ना, वही पानी यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा लग रहे जाते वाते, कुछ साउंड सुनाई दे रहा है? तो क्या हाथी के बारे में बोलना चाह रही है? अरे मुझे भी साउंड सुनाई। ओ अंकल, कहाँ जा रहे हो, नंबर तो दे के जाओ। अंकल का नंबर लेके क्या करेंगे, बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्या करेंगे? मतलब अंकल, जी जी। ओ अंकल, आप भी छोड़ के जा रहे हो? हाथी है, तीनों को ही साउंड सुनाई दिया। मुझे डर लग रहा है कि अचानक से आके अटैक ना करे। ट्रीज का हाइट बहुत ऊंचाई तक अभी है, माइल माइल तक पेट्रोल पंप नहीं मिलता है। सॉरी, यहाँ पे पहाड़ को दिख रहा है ये, और फोन में क्या सिम यूज करते हो? मेरे फोन में तो बिल्कुल टावर नहीं है। तो टावर नहीं लगता है इधर। इधर आप लोग फोन नहीं यूज करते हो? यूज करते हैं BSNL। BSNL में भी तो नहीं है? अभी तो बात हुआ था, आते जाते रहता है शायद। कटल उटल होगा न तो आता है, बात होता है। ओ बाप रे, नीचे देखिए जंगल पूरा, और यहाँ पे ऊपर भी जंगल।
इधर से थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हम लोग शॉट ले रहे हैं, इधर से वो आए। आज मैं ट्राईपॉड का काम कर रही हूँ, ये मैं कभी कभी करती हूँ, पर इस ट्रिप में मैं ही ट्राईपॉड हूँ। तो जाते जाते हम लोगों को बोर्ड दिखा के राइट साइड में मिलेगा सुगाबाद वाटरफॉल, 1.5 किलोमीटर है। तो हम लोग लोध वाटरफॉल तो जाएंगे, 38 किलोमीटर आगे जाना होगा, तो उससे पहले थोड़ा रुक जाते हैं। 1.5 किलोमीटर जाके सुगाबाद वाटरफॉल मिलेगा, जाके विजिट करके आ जाते हैं फटाफट। आप लोगों को याद आ रहे पिछले वाले व्लॉग में आप लोग दिखे थे कि हम लोग एक नदी किनारे जाके रुक गए थे, वही रिवर कंटिन्यू होके यहाँ से जा रहे। तो अभी हम लोग है सुगाबाद वाटरफॉल में, बस रास्ते में जाते जाते साइन बोर्ड दिखा और हम लोग आ गए। ब्यूटीफुल। अभी हवा भरवाया है और अभी जाएंगे पेट्रोल पंप में पेट्रोल लेने के लिए। फुल टैंकी करके रखना अच्छा है। टिकट का मामला है तो इधर पहले गाड़ी का नंबर एंट्री करवाना पड़ेगा, किसी एक का फ़ोन नंबर देके रजिस्ट्रेशन करके एंट्री करके फिर इधर टिकट बनाना पड़ेगा। वो 8 बजे से 4 बजे तक खुला है, और अगर 10 साल से ज़्यादा है आपकी उम्र तो फिर आपका टिकट लगेगा, अगर इसके तरह हो तो नहीं लगेगा। टिकट देख सकते हो पर पर्सन 10 करके, और हम लोगों का टू व्हीलर है तो ये पर टू व्हीलर 20 करके। हम लोग फिर से सीढ़ी चढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो दो दिन पहले जो वहाँ गए थे ना, जोना गए थे तब हम लोग 500 या 700 सीढ़ी नीचे गया और ऊपर आए, उसके बाद तो अभी तक पैर में दर्द है। अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर, लगेगा 10 मिनट जाने में। चलिए धीरे धीरे से ऊपर जाते हैं। देख पा रहे हो क्या पीछे उधर? बाप रे, ज्यादा नहीं रे देखो वीडियो। इधर कुछ खास लिखा है। झारखंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे जितना घूम लूँ उतना कम पड़ जाता है। एक्चुअली ये एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है झारखंड का, और इधर आते वक्त बहुत सारा वेस्ट बंगाल का टूरिस्ट लोगों से भी मीटअप हुआ, मतलब वो लोग भी आ रहे। ऐसे में तो टूरिस्ट लोग वहां तक आते हैं, मैं इधर तक पहुंच गई। पहाड़, इधर झरना, ऊपर
अभी उतरना है। अभी मैं ऊपर के व्यू लेने के लिए आई हूँ। इससे पहले हम लोग वहाँ नीचे थे, अभी ऊपर से व्यू लेना है इसीलिए ऊपर आ गए। हाँ, ये तो कुछ डिफरेंट है। हम लोग ऊपर से लोथ फॉल से नीचे आ गए। लोध वाटरफॉल से नेतर हट 56 किलोमीटर है। आप लोग बाइक से आ रहे हो तो इजीली जा सकते हो, अगर अपना कार लेके आ रहे हो तो वो भी इजीली जा सकते हो क्योंकि रास्ता एकदम क्लियर है और एकदम अच्छा रोड है। अभी बज गया है 3:30 और हम लोग पहुँचते पहुँचते एक घंटा तो लगेगा। 4:30 5 बजे मानो सनसेट देखना चाहिए, जिसके लिए मैं इतना तक आई। सन ऊपर है, अभी सेट मत होना सन, तुझे मैं पहले से ही बोल रही हूँ। मुझे ना वो वाला सनसेट कभी मिलता ही नहीं, नसीब ही खराब है। रोड देखिए, ओ मजा आ रहे, बहुत मजा आ रहे। आई एम एंजॉयिंग दिस। Thank you.